Hey guys, welcome back to my channel Jia Mansoori's Kitchen. Myself Jia Mansoori. आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए फूल गोभी के पराठे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से बनाते हैं अपने पराठे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में डाल लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 टेबल स्पून जीरा और यहाँ पर लिए हैं मैंने 5 हरी मिर्चें जिनको फाइन चॉप कर लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमारा भुन चुका है और यहाँ पर लिए हैं मैंने 1 kg फूल गोभी जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमें आटे में भी लेना है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर और यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून मैगी मसाला। तो भुना हुआ जीरा और मैगी मसाला बहुत ज़्यादा टेस्ट को बढ़ाने वाले हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पर लिया है मैंने हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से और हमें 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आटा भी अपना लगा लिया है। आटे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और कुछ भी नहीं इसके लिए मैंने पहले से लगा के रख लिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। और ये हमारे पास जो हमने फूल गोभी की स्टफिंग तैयार की है वो भी बिल्कुल रेडी है। और एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं फटाफट से अपने पराठे। यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और इसको हम लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद इसमें हम डालेंगे अपनी फूल गोभी वाली स्टफिंग। इस तरीके से इसको राउंड शेप में आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। आप चाहें तो बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको हाथों से ही कर लिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून अपनी फूल गोभी वाली स्टफिंग डालूँगी। यहाँ पर अपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसका मुंह कर देंगे हम बिल्कुल बंद। जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छे से सील पैक कर देना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इसको भी सेम उसी तरीके से लोई बना लेंगे। अब इसको एक बेलन की मदद से बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है अपना पराठा। पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिया है मैंने एक तवा, इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और अब डाल दिया है इसके ऊपर पराठा। पराठे को हमें 6 से 7 सेकेंड मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेक लेना है। अब हम इसको पलट देंगे और इस पर लगा देंगे ऑयल। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर उसका यूज़ कर लें। पलट देंगे इसको और दूसरी साइड भी ऑयल लगा लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा चिट्ठीदार हमारा पराठा सिककर तैयार हुआ है। इसको इसी तरीके से हमें पलट पलट कर सेक लेना है दोनों साइड से अच्छे से। ये देखें, थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते हुए हमें सेक लेना है।
यहाँ पर मैंने एक प्लेट पर टिश्यू पेपर लगाया है और इसी पर हम निकालेंगे अपने पराठे। तो सेम इसी तरीके से हमें 1x1 सारे पराठों को सेक लेना है। तो इसी तरीके से आपको सारे पराठे सेक लेने हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे सेक कर तैयार हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें। इसको किसी के भी साथ आप सर्व कर लें, दही के साथ खा लें, चाय के साथ खा लें, अचार के साथ खा लें, चटनी के साथ खा लें, छोले की सब्ज़ी के साथ खा लें, आलू की सब्ज़ी के साथ खा लें, जिसके साथ आपका दिल हो उसके साथ आप इसे खा लें। मैं इसे यहाँ शेजवान की चटनी और चाय के साथ सर्व करने वाली हूँ। आई होप सो मेरी आज की ये गोभी पराठा रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।